दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम चार धाम यात्रा को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए मात्र 74 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है और आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कब से शुरू होगा। दोस्तों इसके साथ साथ आपके मन में ये भी सवाल होगा कि चार धाम यात्रा को लेकर इस वर्ष नए नियम क्या है, क्या क्या सुविधाएं जो हैं इस बार श्रद्धालुओं को मिलने वाली है ताकि उनकी जो यात्रा है आसान हो सके। तो ये सभी जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं, तो वीडियो में बने रहें। अगर आप चार धाम यात्रा का प्लान करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो लास्ट तक देखें ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस चैनल में हरिद्वार ऋषि के चार धाम यात्रा से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड में अप्रैल के तीसरे सप्ताह से प्रारंभ होने वाली चार धाम यात्रा के लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। इस बार भी पंजीकरण अनिवार्य होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है कि चार धाम यात्रा के लिए इस वर्ष पंजीकरण बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। इसको और अधिक आसान बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए इस दिशा में नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपका पंजीकरण की सुविधा देने की तैयारी चल रही है। इसमें मंथन बहुत तेजी के साथ चल रहा है। एक मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा और जिसके माध्यम से आप पंजीकरण कर सकेंगे और जितनी भी जानकारी है सभी व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। पंजीकरण होते हुए यात्री को व्हाट्सएप पर संदेश के माध्यम से इसकी सभी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही फोन के माध्यम से केवल कॉल करके भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप के जरिए आपको पंजीकरण कराने का विकल्प भी मिलेगा और उसके साथ साथ अपनी जो पहचान है, आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जितने भी संबंधित दस्तावेज है वो अपलोड करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, जिससे कि आप उनको आसानी से अपलोड करके अपना पंजीकरण कर सकेंगे। और ये जो पंजीकरण सुविधा है ये चार धाम में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी धामों के लिए एक ही होगी। आप इनमें से किसी एक धाम में जाएं या चारों धाम में जाएं, रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष लगभग 49 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की थी और इतनी ज़्यादा जो श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल हुई थी जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो जब इतनी ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो श्रद्धालुओं को सुविधा भी मिलनी चाहिए ताकि वो आसानी से दर्शन कर सके। इस बार क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी लाया जाएगा। इसके माध्यम से हर श्रद्धालुओं को एक टोकन दिया जाएगा जिसमें निर्धारित समय लिखा होगा और उसी समय पर वो मंदिर में जाकर दर्शन कर पाएंगे। आमतौर पर आपने देखा है कि जब केदारनाथ धाम में लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लंबी लंबी लाइन लग जाती है तो मौसम कई बार खराब हो जाता है, तो श्रद्धालुओं को लाइन में लगने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, परेशानी उठानी पड़ती है, कई घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं। तो इन सब मुसीबत से बचने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा जिसमें एक टोकन मिल जाएगा और उसमें निर्धारित समय लिखा होगा और उसके बाद आप आसानी से मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों इस बार जो चार धाम यात्रा है वो 22 अप्रैल से प्रस्तावित है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, ये प्रस्तावित डेट है और 22 अप्रैल के बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। बात करें बद्रीनाथ धाम की तो बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो 27 अप्रैल से प्रस्तावित है, 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप सभी की पसंद यात्रा केदारनाथ धाम की यात्रा कब से शुरू होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन, उसकी डेट जो है वो आ जाएगी और मैं वीडियो के माध्यम से आपको 18 तारीख को केदारनाथ धाम की यात्रा कब शुरू होगी उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। और उसके बाद ये भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि 18 मार्च को जैसे ही केदारनाथ धाम की यात्रा की डेट घोषित हो जाएगी उसी के बाद 20 तारीख के आसपास, 20 फरवरी के आसपास पंजीकरण की भी सुविधा आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएगी। सभी श्रद्धालु 20 फरवरी के आसपास
जो बुकिंग है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो कर पाएंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लग रही है आप सभी को कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो एक छोटा सा काम करिए, आप WhatsApp या Facebook में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को चार धाम यात्रा की अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों इस वर्ष जो तैयारी है वो 31 मार्च की डेडलाइन घोषित की गई है। 31 मार्च तक चार धाम यात्रा की सभी जो सुविधाएं हैं, सभी तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी लेट हो गया था और श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो इस वजह से 31 मार्च की डेडलाइन घोषित की है, 31 मार्च के आसपास सभी जो तैयारी है वो पूरी हो जाएंगी। दोस्तों इसके साथ साथ एक बहुत ही मुख्य जानकारी है, ऑफलाइन की जो सुविधा है, ऑफलाइन का जो रजिस्ट्रेशन है वो इस साल भी आप कर सकेंगे। आप हरिद्वार ऋषिकेश में कई ऐसे काउंटर बनाए जाएंगे जहां पर आप चार धाम यात्रा का पंजीकरण कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा की। हेमकुंड साहिब जो यात्रा है, ये चार धाम यात्रा जैसे शुरू होती है उसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो इस बार उम्मीद ये है कि मई के अंतिम सप्ताह या 1 जून से हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। दोस्तों एक जो जरूरी सवाल आपके मन में और आ रहा होगा कि अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपकी जो यात्रा है वो जोशीमठ से होकर जाती है, तो जोशीमठ में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि जब बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो उससे पहले जोशीमठ जो है एक बड़ी जगह है जहाँ पर बहुत सारे होटल हैं और वहाँ पर अभी तक श्रद्धालु जो है रुकना एक बहुत अच्छी जगह समझते थे, वहाँ पर रुकते थे और नेक्स्ट डे वहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए जाते थे। तो तैयारी वहाँ भी चल रही है और जोशीमठ के आसपास जो रोड को चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था वो भी 15 अप्रैल तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा। और सरकार ने बोला है कि जोशीमठ में यात्रियों को रुकने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, सभी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। तो दोस्तों ये थी चार धाम यात्रा की सबसे ताज़ा अपडेट। आने वाले समय में जो भी अपडेट आती रहेगी इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले मैं पहुंचाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लगातार हरिद्वार ऋषिकेश और चार धाम यात्रा की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।